नमस्कार, एनटीआई पॉकेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। अहिंसा के पुजारी बापू क्या कभी किसी किस्म की हिंसा को कबूल सकते थे? क्या किसी की हत्या का वो समर्थन कर सकते थे? पूरी दुनिया एक आवाज में कहेगी, नहीं नहीं और नहीं। लेकिन ऐसा हुआ था। इतिहास के पन्नों पर यह वाकया आज भी दर्ज है कि बापू ने एक साथ 60 प्राणियों की हत्या को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि ऐसा करने वाले के साथ वो खड़े भी रहे। आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। किसी को भी इंजेक्शन देने तक से डॉक्टर को मना करने वाले बापू ने ऐसा सब किया। आइए हम आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज क्या है ये पूरा वाकया। बापू ने किया हिंसा का समर्थन। अहिंसक बापू को क्यों पसंद आई हत्या? एक नहीं, दो नहीं, 60 प्राणियों की हुई थी हत्या। कपड़ा व्यवसायी अंबालाल साराभाई के सामने तब अजीब स्थिति पैदा हो गई जब उन्हें पता चला कि उनकी मिल में करीब 60 पागल कुत्तों ने अपना बसेरा बना रखा है। मजदूरों में कुत्तों का खौफ है। अंबालाल ने सभी कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया और सारे कुत्ते मार दिए गए। लेकिन बापू के अनुयायी अंबालाल को ये बात कचोटती रही। वे बापू से मिलने साबरमती आश्रम पहुंचे। बापू ने सब सुना और कहा, हम डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल से कीटाणुओं को मारना ड्यूटी समझते हैं। यह हिंसा है लेकिन कर्तव्य भी है। एक पागल कुत्ते को मारना न्यूनतम हिंसा है। जंगल में रहने वाला बैरागी शायद पागल कुत्ते को ना मारे, लेकिन शहर में रहने वाला व्यक्ति जिसे उसके जिम्मे आने वाली जिंदगियों का ध्यान रखना होता है और जिसके पास वैरागी जैसे गुण नहीं होते लेकिन वह कुत्ते को मार सकता है, ऐसा व्यक्ति धर्म संकट में पड़ता है। बापू ने इस बारे में लिखा भी, अगर वह व्यक्ति कुत्ते को मारता तो वह पाप करता, लेकिन अगर नहीं मारता तो ज्यादा बड़ा पाप करता। इसीलिए वो कम पाप को चुनता है और खुद को बड़े पाप से बचाता है। मतलब साफ है कि बापू ने ना तो हिंसा और ना ही हत्या का समर्थन किया। उन्होंने अंबालाल को बड़े पाप से बचने के लिए छोटे पाप को चुनने की अनुमति दी थी। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट।